press the bell icon on the YouTube app and never. विको जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान के दमदार इंटरव्यू का सेकंड पार्ट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बात फिर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर उठाई, जबकि उनकी दादी अम्मी ने जितने भी पंजाबी थे सिख थे उनको खत्म करने के लिए उन्होंने ही बंकर मचाया। उसके बाद फिर उन्होंने क्रिश्चियन के जो गॉड होते हैं ईसा मसीह जी की तस्वीर उठाई। सबसे पहली बात कि बाइबल हमने भी पढ़ा है और हमारे 5 अलहामी किताबों में बाइबल आता है, अभय मुद्रा बाइबल में भी नहीं है और ऐसी तस्वीर ईसा मसीह की भी नहीं है। तो वो क्रिश्चियन इस बात का जवाब देंगे। फिर उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद की बात कही और उन्होंने हमारे दुआ के हाथ को उन्होंने अभय मुद्रा का नाम देकर के सिर्फ इस्लाम को बेइज्जत नहीं किया, बल्कि नाउज़ु बिल्लाह उन्होंने अल्लाह तबारक ताला की भी बेहुर्मती की है, क्योंकि हमने और 1450 साल में मुसलमानों ने और इस्लाम के मानने वालों ने यही सीखा है और यही पढ़ा है कि अल्लाह नूर के हैं। तो अल्लाह का हाथ और अभय मुद्रा कैसे राहुल गांधी जी देख लिए जो हम नहीं देख पाए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कल से बड़ी तारीफ कर रहा है राहुल गांधी जी की, कि उन्होंने देखे इस्लाम का नाम वहां पर लिया है, उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है। अच्छा, ये कोई ना कोई असदुद्दीन अवैसी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, ये इस तरह की स्टेटमेंट क्यों देते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर उसको खसूसी अहमियत मिलती है, ये क्या इसके पीछे क्या कहानी क्या है? सबसे पहली बात है मुजफ्फर भाई कि हर वो चिटिंगबाज, हर वो आतंकी, हर वो बेहुदा बदतमीज मुसलमान खुश होगा ऐसे स्टेटमेंट पर, जहां पर हमारे इस्लाम की बेहुर्मती की गई है और हमारे इस्लाम में अल्लाह तबारक ताला के हाथ और अभय मुद्रा जैसे संस्कृत वर्ड को जोड़ा गया है। जो मुसलमान अल कुरान को मानता है, जो मुसलमान अल्लाह तबारक ताला को मानता है, जो मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत रसूल को मानता है, वो अभय मुद्रा पर अपनी प्रक्रिया रखेगा और राहुल गांधी जी से वो कहेगा कि माफी मांगिए। बिल्कुल, लेकिन अब आती है बात कि देखिए असदुद्दीन अवैसी तो रजाकार फौज का आखिरी सिपा सलार है ही, कासिम रिजवी का वो तो चेला है ही है, तो वो तो पाकिस्तान को खुश करने की बात कहेगा ही, डेफिनेटली कहेगा मैं असदुद्दीन अवैसी को भारत का नागरिक मानती ही नहीं। वो तो कासिम रिजवी के मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन को में ही उसने ऑल इंडिया लगा करके वो कासिम रिजवी जैसे देश विरोधी और देश का बुरा करने वाले व्यक्ति के पार्टी को लेकर के, पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के चल रहा है। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी हो, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन या पीस पार्टी हो जो भारत में चल रही है, ये सब हिंदू विरोधी पार्टी है और मुसलमान महिला विरोधी पार्टी है, क्योंकि इनके फहरिस्त में इनके इनकी पॉलिटिकल पार्टी में एक भी पदाधिकारी महिलाएं नहीं है और ना ही हिंदू। अब आती है बात कि राहुल गांधी जी क्यों पाकिस्तान बहुत तारीफ कर रहा है भाई, क्योंकि खटाखट वाला वो बताशा जो था, झूठा बताशा, वो भी तो पाकिस्तान से आया हुआ था, मैंने और आपने ही बात किया था, वो भी तो झूठा बताशा बेनज़ीर भुट्टो वाला आया हुआ था उनकी मृत्यु के बाद। अब आती है बात कि देखिए यहाँ हमारे जो भारत में मुसलमान है या आपके पाकिस्तान में मुसलमान है, नासिर खान बलात्कारी की शादी में बनारसी साड़ी और शेरवानी पहन करके मुसलमान जाते हैं और अपनी जवान बेटियों को लेकर के जाते हैं, एकदम जवान बेटियों को लेकर के जाते हैं। आप सोचिए कि एक लड़का है यामिन शकील, उसका काम है जावेद अहमद खान के नेतृत्व में वो काम करता है, तृणमूल कांग्रेस का मंत्री भी है, बहुत लाडला मंत्री है ममता बनर्जी का और एमएलए भी है कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी से पश्चिम बंगाल में। अब आप सोचिए कि वो ऐसा एक टीम बनाया है बलात्कारियों का नेता होकर के, क्योंकि मुसलमान है तो वो नेता होकर के ऐसा एक टीम बनाया है जिसमें एक लड़का है यामिन शकील जो मासूम लड़कियों को बहलाता है, फुसलाता है, उससे लाखों रुपए ऐंठता है, उसके बाद नेपाल भाग जाता है। अब आप सोचिए तो अगर पाकिस्तान तारीफ कर रहा है राहुल गांधी की तो मेरे लिए तो शॉकिंग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को खुश करने के लिए ही तो लश्कर ए तैयबा और यासिन मलिक ने को भारत के जम्मू एंड कश्मीर में जेनेसाइड करने का मौका मिला, नहीं तो क्यों मिलता? आज तो कोई लश्कर ए तैयबा नहीं आ पा रहा है हमारे भारत में,
आज तो कोई यासिन मलिक जैसा कोई हमारे भारत में नहीं आ पा रहा है। देश के किसी कोने में भी, 28 स्टेट के किसी भी कोने में कोई पाकिस्तानी सीरिया या अफगान से आकर के कोई आतंक या जिहादी हरकतें 10 साल में तो नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान को खुश करने का तो हमेशा से दौरा जो है, वो जो चलन है वो गांधी परिवार में रहा है, हमेशा रहा है। सही कहा। अच्छा, एक और वीडियो जो मैंने क्लिप बाद में दिखाया था, जिसमें एक जो कपल है उसको मारा जा रहा है बड़ी बेदर्दी के साथ और बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, ये सुनने में आया, ये वेस्ट बंगाल की वीडियो, इसकी तरह बताइएगा कि ये कौन लोग हैं और क्यों इनको मारा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि वेलकम टू द इस्लामिक स्टेट पश्चिम बंगाल, क्योंकि कल सारे प्रेस मीडिया को ममता बैनर्जी साहिबा के एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ मेकर हमीदुल रहमान साहब ने पूरे मीडिया को कह दिया है कि शरिया वाले देश में और शरिया वाले स्टेट में ये सब होता है। तो इसलिए मैंने आपको वेलकम किया कि सिर्फ आपका इस्लामिक देश नहीं है, आपका पूरा पाकिस्तान इस्लामिक देश है, पर हमारे स्टेट के अंदर स्टेट बनाने वाली बात हो गई फिर। हाँ, हमारे भारत में ये पहला, जहां पर मैं बैठी हुई हूँ, ये पहला इस्लामिक स्टेट बन चुका है और कल घोषणा भी हो चुकी है। और टीएमसी जो यहाँ पर मुख्यमंत्री, जिसकी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, उन्हीं के एमएलए ने ये बात कहा है और मीडिया के सामने कहा है। आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, या फिर अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कैसे पॉसिबल है एक सेकुलर मुल्क के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बन जाए? अब बन तो गया है, लेकिन वो बंगला में बोला है तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बंगाली बोला है। तो उसने साफ मीडिया को कहा है, बड़े बड़े नेशनल न्यूज को उसने कहा है कि इस्लामिक देश में और इस्लामिक स्टेट में ये सब होता है। ये हो गई पहली बात। अब आती है दूसरी बात कि इसी हमीदुल रहमान ने साफ लफ्जों में ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन में कहा था कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी और यह सेंट्रल फोर्स 2 महीने के लिए आया है, बाद में हम ही रहेंगे, बता देंगे क्या होगा। ठीक है, तो बता रहा है, वो बता रहा है ममता बनर्जी के नेतृत्व में जितने भी मुसलमान एमएलए हैं, चाहे वो जावेद अहमद खान हो, चाहे वो हमीदुल रहमान हो, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, तो इन लोगों ने अपने अपने दाहिना हाथ और बायां हाथ को गुंडानुमा लोगों को पाल करके रखा है। तो उसी तरीके से उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा, जो आपने दूसरी तस्वीर एक पिटाई की दिखाई है, ब्लर किया है आपने, उसका राइट हैंड है जेसीबी जमीउल या उसका कुछ नाम है, वो हमेशा इंसाफ जो है वो रोड पर करता है और कई साल से कर रहा था। ये पहली बार है जो वायरल हो गया, ये पहली बार है जो लोगों की नजरों में आ गया और ये पहली बार है जो पाकिस्तान तक ये खबर पहुंच गई है, अदरवाइज ये हो रहा था। तो ये हमेशा इंसाफ रोड पर करता था और मार पीट करके, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो। अब इन दो लोग जो पिटाई खा रहे हैं हमीदुल रहमान साहब के राइट हैंड जेसीबी से, इनका पाप ये है कि इन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली, इसीलिए मार। सो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा कैसे नाजिया लाई खान ने पश्चिम बंगाल के हालातों को एक्सपोज किया, जो कि पूरी तरह से एक इस्लामिक प्रदेश बन चुका है और जहां पे शरिया कानून चल रहा है। आपने देखा कैसे इन बातों को सुन के पाकिस्तानी पत्रकार भी हैरान था और अंदर अंदर वो सोच रहा होगा कि पाकिस्तान के हालात भारत के कुछ राज्यों से बेहतर और ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करते और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।